ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव सभ्यता को अंदर से खोखला करने वाला एक दीमक की तरह है। और दुख की बात यह है कि आज भी लोग पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। गांव की लड़कियां निकलकर शहर जा रही हैं और गांव से निकलने से पहले भी उसकी कीमत तय हो जाती है, इसका उसे स्वयं भी अंदाजा नहीं होता। 2014 में हमने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक रिसर्च के तहत पूरे झारखंड का दौरा किया और इस क्रम में कई गांवों के दौरे के दौरान यह निकल कर आया कि लड़कियां अपने घर की माली हालत दुरुस्त करने के लिए गांव छोड़कर जा रही हैं। जब मैं पहली बार गांव से शहर आई थी और आर्थिक तंगियों से गुजर रही थी तो मुझे आज भी याद है कि दिल्ली से एक आदमी ने मुझसे संपर्क किया था। मुझ जैसी मेरे गाँव इलाके से और भी लड़कियों के बारे में पूछा जा रहा था। उसने मुझे बताया कि प्रति लड़की उन्हें 10,000 कमीशन मिलता है और जॉब देने के लिए रिज्यूमे मुझसे मांगी जा रही थी। सारा काम इस तरह से होता है कि ऊपर से लगता है कि किसी अच्छी नौकरी पे आपको रखा जा रहा है। वे मुंबई से लेकर विदेशों तक लड़कियां भेजते हैं और झारखंड ओडिशा में नई संभावनाएं देख रहे थे। मैं बुरी तरीके से पहली बार डर गई थी और कुछ मित्रों से इस बात को शेयर किया। कुछ ने कहा कि ये हाई लेवल पे चलता है और अकेले इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। और तब मैंने एक पत्रकार बंधु से भी इस बात की को शेयर किया और इसके माध्यम से पुलिस प्रशासन तक इस बात को मैंने पहुंचाया और बाद में उस व्यक्ति ने मुझे कभी संपर्क नहीं किया। मुझे नहीं मालूम था कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है, लेकिन वह एक वाक्य था कि मैं कई दिनों तक सो नहीं पाई। मुझे लगा और कितनी लड़कियां होंगी जिनको इतनी सच्चाई नहीं पता होगी और वे इस बात के और वे इसी तरह झांसे में आकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार होती हैं और उन्हें खुद भी इसकी भनक नहीं लगती है। आज हम उसी हाई लेवल के संगठित अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम झारखंड की राजधानी में कर रहे हैं। पिछले साल एक रिसर्च के दौरान गाँव में घूमने से मुझे यह भी पता चला कि कई लड़के लड़कियां दिल्ली, मुंबई और गुजरात से गांव वापस आ रही और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बड़े पैमाने पर रेशम कीट पालन की योजना जो चल रही थी उसमें शहतूत के पौधे लगाने के काम में प्रति जमीनों को तैयार किया जा रहा था और इस काम में कई आदिवासी युवा जुटे हुए थे। और उन युवाओं से बात करने पर मुझे ये पता चला कि उनका यह कहना है कि हम बाहर जाते हैं और वहाँ एक जिल्लत से भरा हुआ काम हमें मिलता है। यदि गांव में ही हमें वो काम मिले और इस तरह की योजनाएं हम तक पहुंचे तो हम जिल्लत झेलने के लिए हम अपने गांव छोड़ के हम नहीं जाना चाहते। झारखंड सरकार ने जिस तरह लोगों को उनके हुनर को कद्र मिले इसके लिए योजनाएं तैयार की हैं वो आने वाले दिनों में अपना दूरगामी असर दिखाएगा। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी व राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के संयुक्त प्रयास व सहयोग के तहत 2019 तक 5-6 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 3,000 लाख का 2015-16 के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, कृषि से लेकर पशुपालन, उद्योग, मानव संसाधन, ग्रामीण विकास, पर्यटन, कला संस्कृति, वन व पर्यावरण सहित अन्य कई क्षेत्रों में भी काम करने के लिए बजट का प्रावधान है और निश्चय ही यह मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध पर नकेल कसेगा। हाल के वर्षों में झारखंड राज्य प्रशासन ने इस दिशा में काफी गंभीरता दिखाई है। गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कई ऐसी एजेंसियों का पर्दाफाश किया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम में संलिप्त थे। यह प्रशासन के सहयोग के कारण ही सफल हो पाया है। इस बड़े मुद्दे को लेकर प्रशासन और राज्य सरकार दोनों के सहयोग की जरूरत है और उनके सहयोग से ही राज्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संगठित अपराध से भयमुक्त हो सकेगा। एक उम्मीद है, एक विश्वास है और इस विश्वास का सच में साकार होना ही इस कार्यक्रम की सफलता है। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। खोल दे सारी बंद मुठियाँ कि जुगनू आसमान में जगमगाएं, कि जुगनू आसमान में जगमगाएं। अंधेरा है अभी अगर एक टुकड़ा चांद, चलो अपनी चौखट पर लेकर आए कि फिर रोशनी को अंगली पकड़ से रास्ता दिखाएं। चलो एक टुकड़ा चांद अपनी चौखट पर लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपका एक बार मैं झारखंड में जुड़ा दूँ।
रांची शहर के लिए या झारखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि इतने बड़े मात्रा में शक्ति वाहिनी के द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच में बैठे भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर जी, झारखंड सरकार के मानव संसाधन मंत्री बहन नीरा यादव जी, मंच में बैठे कल से सुबह से हम अखबारों में देख रहे हैं और इतने दूर से आए या चिंता व्यक्त कर रहे मिसेस हेलन, मंच में बैठे पीएम नायर जी, राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारीगण, सरकारी पदाधिकारीगण और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े तमाम हमारे पार्टिसिपेंट भाइयों बहने और मीडिया के तमाम बंधु, आज वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि इस दो दिवसीय वर्कशॉप का उद्देश्य या जो विषय है बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर है। सीधे अगर हम कहें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर मानव तस्करी से संबंधित ही हमें लगता है केंद्र बिंदु है। सोचने से थोड़ा सा लगता है कि क्या मानव की तस्करी भी हो सकती है क्या, लेकिन ऐसा होता है और हम सभी को पता है और उसका अगर कहीं सबसे ज्यादा शिकार है देश भर में तो वो सबसे बड़ा शिकार बन गया है झारखंड, और झारखंड के लिए ये सबसे हम कहेंगे ये एक अभिशाप है या सीधे अगर हम कहें तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम मानव तस्करी को कैसे रोक सके। चूंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं आप सभी इसके ज्ञाता हैं, इसके आप एक्सपर्ट हैं और प्रैक्टिशनर हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है कि किस किस तरीके से लोगों को बाहर ले जाया जाता है। आप सभी को हम लोगों से ज़्यादा पता है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इस काम में जो लोग लगे हुए हैं वो पहचान में नहीं आते, क्योंकि वो कोई दुकान खोल के नहीं रखते, वो कोई बाजार खोल के नहीं रखते, वो आपके जैसे और हमारे जैसे चलते फिरते लोग ही हैं। आपके घरों में वो निवास करते होंगे, हमारे घरों में वे निवास करते होंगे। जरूरत इस बात की है कि आपको और हमको मिल के उनको पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन उसकी पहचान हो जाएगी तो मुझे लगता है ये बंद होने का हम निश्चित रूप से उम्मीद रखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इस राज्य का ये बहुत बड़ा समस्या है और अगर हम कहें महिला जगत के लिए ये सबसे बड़ा समस्या है। अगर शिकार बनते हैं तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं शिकार बनती हैं इसका,
बनता है, हमें लगता है अगर आप लोग जो कि एनजीओ से काम करते हैं, एनजीओ में काम करते हैं, सर्वे निश्चित रूप से किए होंगे और आपके पास डेटा हो या फिर जो भी निर्णय हो, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे विभाग से भी संबंधित है ये, तो जो डेटा हो वो हमें भी आप प्रदान करेंगे ताकि हम उसको देख सके और आने वाला समय में आप ही को हम मदद कर सके। तो मैं बोलना चाह रही थी कि आखिर इसका कारण क्या है। जहां तक मुझे समझ में आता है तो बहुत ही मुख्य कारण है इसका, और इसका पहला कारण मुझे लगता है गरीबी होगा, क्योंकि गरीबी एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं देख रहे हैं अभी समाज के सामने, लेकिन इस समय सरकार ने बहुत सारा सकारात्मक कदम उठाया है गरीबी को दूर करने के लिए। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग एक जिम्मेदारी व्यक्ति के रूप में आप काम करते हैं, अपने जिम्मेदारी को अगर हम ईमानदारी से पूरा करें, निर्वहन करें, तो उसको भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि गरीबी के कारण ही लोग कहीं भी कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसीलिए गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना एक हमारा कर्तव्य होना चाहिए, या एक संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि इस समाज को या इस राज्य को गरीबी से मुक्ति कैसे दिलाया जाए। गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए एक अवेयरनेस का कार्यक्रम निश्चित रूप से चलाना चाहिए कि लोग यहाँ से पलायन करते हैं, क्यों पलायन करते हैं, उसके पीछे भी पलायन के बाद, यहाँ से बाहर जाने के बाद लोगों को पता चलता है कि हमारा देश, हमारा घर क्या था, कैसे था, और आज जहाँ हम फंस गए, जिनके भी चंगुल में फंस गए, वहाँ हम कैसे रह रहे हैं, फंसने के बाद लोगों को पता चलता है। इसीलिए ये अवेयरनेस का कार्यक्रम जरूरी है, और अपने राज्य में जो भी काम है, विशेष करके यहाँ हमें लगता है अधिक मात्रा में अगर हम देखें तो राज्य का अधिकांश हिस्से में उद्योग धंधा नहीं है, कल कारखाने नहीं है, और एकमात्र कृषि पर ही लोग निर्भर होते हैं। तो अगर कृषि पर निर्भर है तो अपने खेत के प्रति, कृषि के प्रति लोगों का झुकाव हो, लगाव हो, उसके लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम निश्चित रूप से होना चाहिए। लोगों को काम चाहिए, आप उनको इंगेज रखना जरूरी है ताकि उनका दिमाग इधर उधर की बातें ना सोचे या उनका दिमाग ना भटके, ये भी जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। दूसरी बात है अशिक्षा। अशिक्षा भी मूल कारण इसलिए है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो भी गार्जियन होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, पढ़ाने के नाम पर, क्योंकि उनको अपना सोच आगे नहीं कर पाते हैं और भविष्य उनको समझ में नहीं आता है। इसीलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार सरकार के स्तर से जितना होता है वो तो हो ही रहा है, आगे भी होगा, लेकिन आप सभी डायरेक्ट मैन टू मैन जुड़े हुए हैं, एक एक गांव में आप लोग जाते हैं, इसीलिए इस तरह का भी कार्यक्रम होना चाहिए कि लोगों को शिक्षा के प्रति ज्यादा आकर्षित करना चाहिए। एक भी बच्चा बिना शिक्षा का ना रहे, ऐसा कार्यक्रम आप लोगों को भी चलाना चाहिए, क्योंकि जिस जिस शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, समाज शिक्षित हो जाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारे चीजें समझ में आ जाएगा। अपना पराया, अपना देश दूसरा देश, अपना घर दूसरा घर, या फिर बाहर जाने के बाद क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। इस सभी चीजों को रोकने के लिए या फिर युवाओं को रोजगार देने के लिए, पलायन रोकने के लिए भारत सरकार और झारखंड सरकार ने एक साथ एमओयू किया है, आप सभी को पता है लास्ट अभी 22 तारीख को एमओयू हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा फोकस किया है, और एक एक स्तर में, एक एक क्षेत्र में इसको किस तरह से हर लोगों के हाथ में जो हुनर है उसको निखार लाने के लिए स्किल डेवलपमेंट का एमओयू हुआ है।
समाज के ऊपर है, विशेष करके इस एरिया में जो आप लोग काम करते हैं, सभी संस्था के लोग जो आप लोग काम करते हैं, हमें लगता है ये इस तरह की चीजों को भी आप लोग प्रचार प्रसार निश्चित रूप से करेंगे। एक एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि अभी कहीं कहीं यदा कदा आप लोगों को नजर आता होगा पिंक ऑटो, किसी ने रांची शहर में देखा है। मैंने इसीलिए कहा कि ये छोटा काम नहीं होता, काम तो काम होता है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। आखिर हम अपने पेट के लिए काम करते हैं ना, अपने रोजी रोजगार के लिए काम करते हैं। इसीलिए आप लोगों को इसका भी प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हर छोटे काम के लिए अपना समय देना चाहिए। अगर हमारे हाथ में हुनर है तो आपको दिखाना चाहिए, तो आपका जीवन शैली निश्चित रूप से बदलेगा। हम लोगों के पास अभी बोलने का तो बहुत है लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि हम लोग का हाउस चल रहा है और समय से हम लोगों को वहाँ भी पहुँचना होता है। मैं दो बातें सिर्फ बोल करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहती हूँ। आपको ध्यान में होगा कि सभी इस 24 जिला में 22 जिला में महिला थाना का गठन हुआ है और सभी महिला थाना में महिला पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ है। ये विशेष करके महिलाओं का जो समस्या है, चाहे वो मानव तस्करी हो चाहे किसी भी तरह का चीज हो, उन चीजों को रोकने के लिए महिला थाना को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसका भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि जनरल थाना में महिलाएं अपनी समस्याओं को खुल के नहीं रख पाएंगे, इसके लिए महिलाओं थाना को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। आपको ये भी मालूम है कि AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का भी गठन हुआ है 8 जिला में, जो सिर्फ और सिर्फ मानव तस्करी को ही वो देखेंगे। उनको कैसे उनको बचाना है, कैसे छुड़ाना है, इनका यही काम है। तो गांव के लोगों को इन सब चीज़ों का जानकारी नहीं है, इसीलिए चूँकि आप सीधे उनसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इन सभी चीज़ों का भी आप लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आप लोगों को शुभकामना देती हूँ कि ये वर्कशॉप के माध्यम से अच्छी बातें आए और समाज को, इस राज्य को इससे लाभ मिले, ऐसे शुभकामना देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने हिस्से का दिया जलाना होगा और तभी अंधेरा मिटेगा। आगे हम शिक्षा मंत्री नागर यादव को आमंत्रित करते हैं उनके दो शब्दों के लिए और अनुरोध करते हैं कि संक्षिप्त में वे अपनी बातें रखें। जी मैम, ये काफी
चिंता का विषय है। हम सबको मिलकर के एक एकजुटता के साथ सकारात्मक सोच के साथ इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं,